सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन के लिए वन यूआई 6.1.1 का जो अपडेट है वो इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी तक ऐसे कौन कौन से स्मार्टफोन है जिनके लिए अपडेट है वो आ चुका है। ऑलमोस्ट 10 से 15 डिवाइस के लिए अपडेट आ चुका है। सो हो सकता है आपकी डिवाइस का नेम है वो भी इस लिस्ट के अंदर हो और आपको पता नहीं हो, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। और वीडियो के एंड में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट है वो आने के चांसेस है 1 से 2 वीक के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। जो सबसे पहले अपडेट है वो रिलीज किया गया है वो है सैमसंग S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा। उसके बाद में ये जो अपडेट है वो रिलीज किया गया था सैमसंग S23, सैमसंग S23 प्लस और सैमसंग S23 अल्ट्रा। और अभी रिसेंटली कल और परसों की डेट के अंदर अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट किया गया है सैमसंग S22, सैमसंग S22 प्लस और सैमसंग S22 अल्ट्रा। तो 9 तो आपको ऑलरेडी सैमसंग के जितने भी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो मिल चुके हैं और बाकी के जो स्मार्टफोन है ना वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, उसके बाद में गैलेक्सी Z Fold 5, गैलेक्सी Z Flip 5, गैलेक्सी Z Fold 4 और गैलेक्सी Z Flip 4। तो ये आपको कंप्लीट डिवाइस लिस्ट है ना गाइस वो यहाँ पर मिलती है जिनके लिए वन UI 6.1.1 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और जितने भी स्मार्टफोन के लिए अपडेट है ना अपडेट की टोटल साइज है वो आपको यहाँ पर मिली है 2.8 GB के अप्रोक्स। और जब आपके स्मार्टफोन के लिए अपडेट आएगा तो इतनी साइज तो नहीं मिलेगी लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 GB से ऊपर आपको अपडेट की साइज है वो देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी A55, सैमसंग गैलेक्सी A54, सैमसंग गैलेक्सी A74 और सैमसंग गैलेक्सी A34। तो सैमसंग की A सीरीज के और M सीरीज के और F सीरीज के काफी सारे स्मार्टफोन हैं जिनके लिए आपको काफी जल्दी नया अपडेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और एक और स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, इसके लिए भी आपको अपडेट है ना गाइस वो काफी जल्दी देखने को मिलेगा। और काफी सारे गैलेक्सी AI के नए फीचर्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे कि एक तो आपको ये वाला फीचर है वो देखने को मिलता है और सेकंड आपको स्केच का फीचर मिलता है। अब आप लोग कोई भी स्केच है ना वो यहाँ पर ड्रॉ करोगे उसी के रिगार्डिंग आपको एक 3D कार्टून है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि बहुत ही खराब मैंने एक ये ड्राइंग है ना वो बनाई है। और अब आप लोग इसको अगर 3D कार्टून के अंदर कन्वर्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। लिटरली आप लोग कैसी भी डिजाइन है वो यहाँ पर बना सकते हो और कुछ उसी डिजाइन का आपको 3D कार्टून है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। और हो सकता है ये वाला जो फीचर है ना वो आपका स्मार्टफोन है उसके लिए भी आपको देखने को मिल जाए, हालांकि अभी ये जो चीज है ना वो कंफर्म नहीं है। सेकंड आपको एक और फीचर मिलेगा कि किसी भी फोन का जो कटआउट है वो तो आप लोग पहले भी निकाल सकते थे लेकिन टेक्स्ट वगैरह है ना वो भी आप लोग अब यहाँ पर कॉपी कर पाओगे। और एक फोटो के अंदर 2 कटआउट है वो भी फाइनली निकालने का ऑप्शन है वो आने वाला है, जैसे कि एक कटआउट और सेकंड ये वाला कटआउट। तो ये भी कुछ आपको नए फीचर्स हैं वो इस अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी आपको और कंप्लीट फीचर्स के बारे में जानना है तो वीडियो बना दिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वॉच कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।